हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यूज़ के ऊपर। चाहे हम कोई भी प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स हों, टिकटॉक हो गया, वीगो हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं व्यूज़ होना। तो आप कुछ लोगों को जैसे पता है कि सर्चिस से हमें व्यूज़ मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि सर्च से ज़्यादा हमें व्यूज़ जब भी मिलते हैं, वीडियोज़ जब भी वायरल होती हैं, वो सर्च से नहीं होती है, हमेशा सजेस्टेड वीडियोज़ से होती है और सजेशंस में जाने से होती है। कभी भी वीडियो वायरल होने का क्या मतलब होता है कि तुम्हारी वीडियो सजेशंस में जा रही है दूसरी सेम वीडियोस के साथ, तब आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। मतलब अगर तुम्हें 1 करोड़ व्यूज़ आते हैं तो 1 करोड़ लोगों ने उस चीज़ को सर्च तो नहीं किया होगा, उसमें से मान लो 10 लाख 50 लाख लोगों ने सर्च किया होगा, बाकी के व्यूज़ आपको मिलते हैं सजेशन से। तो किस तरह से आपकी वीडियो सजेशंस में जाती है, किस तरह ये चीज़ वर्क करती है, कभी भी कोई भी चीज़ आप फाइंड आउट करते हो। आप लोगों में से बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो आप जब वहाँ पे वेबसाइट पे जाके कोई भी मॉडल सर्च करते हो, मान लो आपको रेडमी 5 ढूंढना है, तो आप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे जाते हो, वहाँ पे लिखते हो रेडमी 5, तो क्या सिर्फ आपकी सर्चेज में रेडमी 5 ही आता है? नहीं, वहाँ पे और भी फ़ोन्स आते हैं। रेडमी 5 पहले आएगा, बाकी उसके बाद आएंगे, रेडमी सीरीज़ के और भी आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कीवर्ड सेम है, उनके टाइटल भी सेम हैं, सिर्फ उसमें रेडमी 5 है, जो अगली सर्च में आ रहा है वो रेडमी 8 होगा। तो रेडमी तो एक कीवर्ड हो गया, 8 और 5 में फ़र्क है, लेकिन 8 वाला भी आया सर्च में, क्योंकि कीवर्ड्स कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। उनके अंदर जो टैग्स होंगे, जो उनकी डिस्क्रिप्शंस होंगी, वो भी कहीं ना कहीं मैच कर रही है, उनके प्रोसेसर, उनकी डिस्प्ले, उनके रैम वगैरह, हर चीज़, मतलब जो भी एक चीज़ है। तो बोलने का मतलब यह है कि हमेशा SEO करनी चाहिए आपको अपने वीडियोज़ की प्रॉपरली, उसमें कीवर्ड्स, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन लगाने चाहिए। हो सके तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे मिलती है प्ले स्टोर के ऊपर, जिसमें आप किसी भी वायरल वीडियो का लिंक डालोगे तो वहां पे आप उस बड़ी वीडियो के जो वायरल हो चुकी है उसके टैग्स वहां पे स्टील कर सकते हो, आपको टैग्स दिख जाएंगे, आप उनको कॉपी करके अपने यूज कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होता है, जब किसी बड़ी वीडियो जो वायरल हो रही है उसके टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये चीजें आपकी वीडियो से मैच करेंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो पे अगर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आ जाता है तो वो वीडियो उस वीडियो के साथ सजेशंस में जाने लगती है। करके देखना, लेकिन मैटर यहाँ पे ये भी करता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके वीडियो पे अच्छा ऑडियंस रिटेंशन आना चाहिए, जिसके बाद रिलेटेड वीडियोस के साथ आपकी ये वीडियो सजेशंस में जाने लग जाएगी, क्योंकि इसके कीवर्ड्स, इसके टाइटल्स, इसके टैग्स, इसके डिस्क्रिप्शंस उस वीडियो से मैच कर रहे होंगे जो कि वायरल है ऑलरेडी। तो अगर उस वायरल वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, वो वायरल जा रही है, तो ये वीडियो हमारी अगर उसके सजेशंस में आ जाए तो आपको भी क्लिक्स मिलेंगे, अगर आपका थंबनेल, आपका टाइटल लोगों को पसंद आता है तो सजेशंस का कोई फंडा नहीं है, बस यही फंडा है, जब चीज़ें किसी वीडियो के साथ आपकी वीडियो की मैचअप होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सजेशंस में आती है। सेम जैसे हम कुछ भी कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सिर्फ वही चीज़ नहीं आती जो हमने सर्च की होती है, उससे मिलती जुलती और चीज़ें भी आ जाती हैं। कभी भी करके देखना, कुछ भी सर्च कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे, याहू पे, गूगल पे या फिर कहीं भी कोई भी चीज़ सर्च करोगे, वो चीज़ सबसे ऊपर आएगी, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ें नीचे आएंगी। यही सेम यहाँ पे वीडियोस के साथ होता है। तो तभी आपको बार बार बोला जाता है टाइटल अच्छे लिखो, रिलेटेड वीडियो टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, टैग्स डालो, ताकि रिलेटेड वायरल बड़ी वीडियोज़ के साथ आपकी वीडियो मैच हो। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है तो सजेशंस में जाएगी 101%। अब कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, लेकिन जाएगी, और कई बार जाती भी है, लेकिन आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव ना होने की वजह से उस पर व्यूज़ नहीं आ पाते। तो थंबनेल पे बहुत ज़्यादा काम करो, प्रॉपर हर चीज़, कोई भी चीज़ वीक छोड़ दोगे ना, मान लो आपने प्रॉपर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन लगा दिए, लेकिन थंबनेल नहीं, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, तो गई वीडियो की, जो चांस होता है ना एक वायरल होने का वो गया। मान लो थंबनेल अच्छा लगा दिया, टाइटल बेकार है, डिस्क्रिप्शन बेकार है, टैग्स अच्छे हैं, तब भी गई। किसी भी चीज़ को वीक मत छोड़ो यार, करके देखो।
आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें अपने किसी ऐसे ही दोस्त के लिए जिसको ये ज़रूरत है, वो क्रिएटर हो, उसको शेयर आप ज़रूर करिए यार ईमानदारी से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।